छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का अचानक विद्यालय से गायब होने की सूचना मिली। बच्चों के परिजनों ने अपने रिश्तेदारों को बच्चे का फोटो भेजा और ढूंढने का प्रयास किया, तभी परिजनों को सूचना मिली कि आपके बच्चे को ट्रेन में देखा गया। वहीं बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला। छात्र ने बताया कि बाथरूम के पास दो लोग खड़े हुए थे, तभी उन दोनों ने मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांधकर मुझे उठाकर ले गए, पंचवाली ट्रेन में बैठकर मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया। आरपीएफ की मदद से बालक को सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया। वहीं थाने में दो अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी चाहिए कि कोई परिचित कोई आ रहा जा रहा होगा, तो उससे भी खैर खबर लिया। उसके बाद फिर हमने जब उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक बच्चा है जो डेली अप डाउन करता है, उसको भी मैसेज गया, तो उसने फोन करके जानकारी दी कि आपके यहाँ का बच्चा ट्रेन में है शायद, मुझे ऐसा लगा। तो हमने गांगीवाड़ा से लेकर छिंदवाड़ा तक के अपने सारे परिचितों को खड़ा किया और यहाँ छिंदवाड़ा स्टेशन पे जीआरपी की मदद ली, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और ट्रेन से बच्चे को सही सलामत बरामद किया। का चाचा आया था 11:15 बजे करीब कि हमारा भतीजा रिंग स्कूल जुन्नारदेव से लापता है, पेशाब करने गया, तब से स्कूल में वापस नहीं गया। तो वहाँ यहाँ बताए तो हमने बोला ट्रेन से तो नहीं आया, तो चलो बोले ट्रेन चेक कर लेते। तो हमारे स्टाफ के साथ ट्रेन चेक किए तो उनका भतीजा मिल गया, जिसे थाना लेकर आए और उनका बच्चे का मुलाजा किया।